इजराइल से भारतीय कामगार ने एक वीडियो कॉल पर बात किया। क्या है वहाँ का माहौल, कैसे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, सायरन बजते ही जाकर किस तरीके से बंकरों में वो लोग छिप जाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर इस समय पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। लगातार दोनों तरफ से वार और पलटवार हो रहे हैं, लेकिन वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर यानी कि भारत अपने देश में भी लोग डरे सहमे हुए हैं। यूपी के आजमगढ़ जिले में एक गांव है जहां से आधा दर्जन से अधिक लोगों के परिजनों में डर का माहौल है। उन्हीं में से एक कामगार बाबूलाल से लाइव वीडियो कॉल पर हमारी टीम ने बात की। क्या है वहां का माहौल, कैसे रह रहे हैं लोग, आज हम इन सब पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव। द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूपी के आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील क्षेत्र के बेरबा गांव के 8 लोग मई और जून के महीने में श्रम विभाग के माध्यम से मजदूरी के लिए इजराइल गए थे। इजराइल में भारतीय मजदूरों को मोटी पगार दी जाती है, जिसके चलते क्षेत्र के युवा काफी संख्या में इजराइल गए। बेरबा गांव के ही गुलशन गोविंद, रामकरण, संतोष, राजकेवल, विशाल, गणेश, बाबूलाल मई और जून के महीने में इजराइल गए, जिससे परिवार काफी खुश था। पिछले दिनों ईरान और इजराइल पर मिसाइल छोड़े जाने से परिवार के लोग काफी चिंतित हैं। इजराइल में गए भारतीय मजदूर बाबूलाल से जब हमारी टीम ने वीडियो कॉल पर बात की तो उन्होंने बताया कि जहां हम लोग काम करते हैं वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर एक मिसाइल गिरी। मिसाइल गिरने के कुछ ही देर पहले ही सायरन बजा था और हम लोग बंकरों में जाकर छिप गए थे। सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मीडिया वाले दिखाओ 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 उनको दिखाओ जाओ तो सर को जाओ सर को दो। हेलो हेलो नमस्कार, वहाँ है इजराइल में। हेलो इजराइल में है, हम लोग घर पर आपके आए हैं, पानी वानी पी रहे हैं। हेलो, चाहे चेहरा ऊपर कर रहे, नीचे करिए, ऊपर कर लेके भाग रहे हैं। कमरे में आ रहा, कमरे में आ रहा। अच्छा, ये कह रहे थे कि अब तो शांत है सब मामला वहाँ का, अब तो वहाँ का मामला शांत है सब, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना वहाँ पर। अच्छा अच्छा, सरकार के तरफ से कोई निर्देश उर्देश जारी है कि नहीं? अच्छा, जब ये मिसाइल उसाइल छूटती है सायरन और बजते होंगे। अच्छा, अंदर चले जाते हैं अंडरग्राउंड। अच्छा, चले जाते हैं। तो अपने यहाँ के साथ में कितने लोग हैं? अपन नौ लोग हैं। अच्छा, नौ लोगों के साथ का फोटो है क्या, कि जैसे आप लोग एक जगह बैठे हो चाहे कहीं हो, ऐसा फोटो है क्या? जैसे एक जगह एक जगह काम करते हैं कि अलग अलग काम करते हैं? अच्छा, बहुत दूर दूर पे रहे। यहाँ परिवार की कुछ चिंता उन्ता रहती है? परिवार के लोग चिंतित रहते हैं? परिवार की चिंता रहती है? कोई चिंता नहीं है? सरकार समय पैसा वैसा दे दे रही है? कितने दिन के लिए गए थे? अच्छा, बढ़ाएगा। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं महसूस? अच्छा, लड़ाई से कोई आप लोगों को दिक्कत महसूस होती है? दिक्कत नहीं है, जब वायरस बढ़ता है तो एक दिन में तो टाइम रहता है, उसमें हम लोग आते हैं,
जाम 20 मिनट रहता है। बस से जाते हैं अच्छा बस से जाते हैं तो बस अच्छा बस से जाते हैं तो क्या हो जाता, मान लीजिए हो गया कि सायरन बज गया, तब क्या होता है? अच्छा अच्छा बस रुक जाती है, उसके बाद कहीं चले जाते सुरक्षित जगह पर, तो वहाँ जगह जगह सुरंग बनी है क्या? बंकर होते, बंकर उंकर बना का जगह जगह इजराइल में? अच्छा हर बिल्डिंग पर बंकर है कि आप चले जाइए उसी में सुरक्षित हो जाइए। ये ठीक है, और तो कुछ युद्ध से है नहीं, खाली दूर के लोगों को लगता होगा। अच्छा युद्ध जो हुआ था, मिसाइल गिरी थी ईरान की, वो आप लोग जहाँ आप जहाँ रहते हैं उससे कितनी दूर गिरी थी? बैतीस चालीस किलोमीटर दूर गिरा था, तो साथ के लोगों से बातचीत होती है कि तुम्हारे यहाँ क्या गिरा था क्या नहीं गिरा? अच्छा मैदान पे गिर गया। चलिए ठीक भाई, हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है। भाई रामकरण के भाई श्याम ने बताया कि ईरान के मिसाइल विस्फोट के बाद चार दिनों से लोग काम पर नहीं जा रहे हैं। बाबूलाल की पत्नी उर्मिला और पुत्री अलका ने बातचीत के बाद बताया कि सब लोग सुरक्षित हैं। लगातार हम लोग फोन से बातचीत कर रहे हैं और हालचाल ले रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर लीजिए। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।